जी तो कैसे हो आप सब। और आज हम लोग जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं हम लोग। बताइए, हम आज जा रहे हैं गोपालपुर जू, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे टांडा हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ा सा काम है हमें वहाँ पे और बच्चों को आज छुट्टी है। तो आज हमने सोचा चलो चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बच्चे बोल रहे थे और ऐसे जाना नहीं बन रहा था हमारा। तो आज ना एकदम से हमने सोचा चलो बना लेते हैं प्रोग्राम, थोड़ा काम भी था उधर। तो चलिए फिर मैं आपको ना बैक कैमरे से आज व्यू दिखाती हूँ अपने रोड का, हिमाचल का, कांगड़े का। तो चलिए फिर बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज ना बच्चे बहुत खुश हैं। सैमुहा है, स्मर्थ ही कहाँ पे जा रहे हो? स्मर्थ बात नहीं कर रहा अभी, बोलो स्मर्थ। घूमने जा रहे हैं गोपालपुर, और साथ में हम जाएंगे हॉस्पिटल। और अभी हम ना बहुत पीछे हैं रास्ते में। स्मार्ट देखो कैसे बैठा हुआ है, मासूम समझ के। तो ये देखो अभी हम ना रोड देखो आप, और यहाँ का जो पेड़ देखो कितना सुंदर, फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है ना। और अभी हम पहुंचने वाले हैं माता बगलामुखी का मंदिर है यहाँ पे बनखंडी, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे मंदिर को। तो अब हम ना वहाँ पे पहुंचेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ना बाहर से ज़रूर दिखाऊंगी मंदिर, और कभी हुआ तो अंदर से भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ का जो मतलब हमारा कांगड़ा का फेमस मंदिर है ये माता बगलामुखी का मंदिर, और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। चलिए फिर अभी हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं माता बगलामुखी के मंदिर के पास। तो ये थोड़ा सा बाहर का व्यू देखिए आप, और इतना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आज लगता है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। गाड़ियाँ देखिए आप कितनी लगी हुई हैं यहाँ पे। बाहर से दिखा रही हूँ मैं आपको मंदिर, कभी हुआ तो अंदर से भी दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे कितनी सारी जो है वो दुकानें लगी हुई हैं। रानीताल, और ये देखो यहाँ का व्यू इतना सुंदर लग रहा है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, और सामने देखो कितने बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे ना, शायद बर्फ भी गिरी होगी, लेकिन धर्मशाला की पहाड़ियाँ हैं ये शायद धर्मशाला की पहाड़ियाँ हैं ना। ये देखो यहाँ पे ना टेडी बियर की लगी हुई है सेल तो नहीं होती, बहुत महंगे होते हैं ये जो रोड साइड होते हैं ना, ये तो शॉप से भी ज़्यादा महंगे होते हैं, हमने कई बार पूछे हैं ना। रिक्शा का तो मन कर रहा है लेने का, हाँ इसके पास है। ये है बाथू पुल कांगड़ा का, और सामने वो देखिए रेलवे लाइन का, ये है बाथू पुल, सुना होगा बहुत सालों ने इसको सुना होगा। और ये नीचे बना हुआ छोटा सा शनि देव का मंदिर। तो पानी में कितना गहरा है देखो, ऊपर ना ऊंचाई पे है रोड ये, और स्मर्थ का मूड देखो हो गया है, क्यों हो गया मूड? पीछे ना वो नारियल पानी ऐसे बोलता है, पीना है, पीता भी नहीं है ये, और इसको बस ऐसे रहता है कि चीज़ ले लो। तो अभी तो हम लेट हो रहे हैं ना, तो सोचा वापस जाके, लेकिन ये पिएगा नहीं। कैसे बनाया इसने,
हमारा तो इनको अच्छे नहीं ना लगते, तो इनको भी मेरा मास्क भी ये है, स्मार्ट तो कभी मास्क बोलता ही नहीं, लगाया हुआ इसने भी मास्क अभी ना। और सामने से ना धर्मशाला की पहाड़ियों पे बर्फ गिरी हुई ना बहुत सुंदर लग रही है ना। इनसे भी मिल लीजिए, हमारे ड्राइवर से। क्या हुआ? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं क्योंकि आगे बनी हुई है एक सुरंग जिससे ये गाड़ियां नहीं निकलती है ना, तो यहाँ से वापस हो जाती हैं। इनमें आती हैं गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं ना इनमें, कार वगैरह, तो यहाँ पे हैं। और ये देखो, ये है वो सुरंग अंग्रेजों के ज़माने की, कब की है ये, बहुत पुरानी है ये, हमारी यहाँ की धरोहर है कांगड़ा की। और अंधेरा कितना है इसके अंदर, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है। तो देखो हम निकल आए अब सुरंग से बाहर। और हाँ व्यू देखो, हाँ व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट भी है यहाँ पे, उसकी वीडियो तो पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड है और देखी भी होगी आप लोगों ने, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा है वो कांगड़ा का किला। यहाँ से ना मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी, फिर बाहर से दिखाऊंगी आज तो, क्योंकि पहले ही मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। तो सामने है शायद कांगड़े का किला, वो जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना वहाँ पे है। हाँ उधर से आगे से जीत दिखेगा, हाँ माता का मंदिर है। ये देखो ये है रेलवे लाइन जो पीछे आपको मैंने दिखाई थी ना, तो वो वाली लाइन रेलवे लाइन है यहाँ पे, यहाँ पे निकल गई है आके। ये ना नीचे नीचे है साइड में, ये जो रोड है बसेस वगैरह का, और ये देखो ऊपर से जा रही है ये रेलवे लाइन है, यहाँ से जो ये ऊपर दिख रहा है ना। और सामने से अभी मैं आपको दिखाती हूँ कांगड़े का किला जो इधर से दिखता है बिल्कुल साफ साफ। हाँ वो देखो कांगड़ा फोर्ट, ये जो सामने पहाड़ियों के ऊपर है ना, देखो कितनी ऊंचाई पे है ये। तो अगर आप देखने के इच्छुक हों, आपका मन हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें मैंने इसको डिटेल से दिखाया हुआ है। और ये है आगे का व्यू यहाँ का, ये है बाईपास, कांगड़ा बाईपास से हम ओके जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे टांडा हॉस्पिटल पहले, होके फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनता है। और अभी हम शायद थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो थोड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चलो देखते हैं क्या बनता है हॉस्पिटल में जाके। कितनी दूर है अभी? अभी 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ बाईपास से ना टांडा हॉस्पिटल। और वो देखो सामने पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, तो ये हैं धर्मशाला के। हाँ दिख रही है लेकिन यहाँ पे ना वो है थोड़ी क्या बर्फ गिरी हुई है, ये धर्मशाला की पहाड़ियाँ हैं। गंगा भी है, तो अभी तो हम फिलहाल नहीं जाएंगे। बहुत यहाँ पे ना कांगड़ा में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, हिमाचल में तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारे यहाँ तो कांगड़ा में बहुत अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो हम तो फिलहाल इतना कुछ अभी देख नहीं पाएंगे, और अभी हम पहुँचने वाले ही हैं बस हॉस्पिटल, थोड़ी दूर ही रह गया, अब तो 2-3 किलोमीटर ही रह गया है। तो अभी हम पहुँच गए, ये देखो टांडा मेडिकल हॉस्पिटल है ये, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और आज ना बहुत ज़्यादा रश लग रहा है मुझे यहाँ पे, पता नहीं अब हमारा क्या होगा।
ये हाथ ले ली है हॉस्पिटल यहाँ का टांडा का। हाँ अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा हॉस्पिटल है वैसे तो। अभी हम हॉस्पिटल से ना वापस जा रहे हैं, हो गए हैं फ्री और हम जा रहे हैं गोपालपुर। हाँ हमें ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं वहाँ पे, थोड़ा आज रश भी कम था। हाँ, एक घंटा लगा ज़्यादा टाइम है ना आज। हाँ तो एक घंटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखो अभी हम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की वीडियो मैंने नहीं बनाई और हॉस्पिटल में वीडियो बनाना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना। हाँ और अभी हम लोग ना जा रहे हैं, पहले हम लोग खाएंगे खाना क्योंकि बहुत ज़ोर से अभी ना हम लोग पहले खाना खाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है हमको और बच्चे तो गाड़ी में थे, मैं और यही गए थे, थोड़ा सा छोटा सा ही काम था। तो अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ पे बनता है खाना। ये देखो यहाँ पे ना ये सारे लोग जो हैं वो घर में ही सब्जी उगाते हैं और ये देखो यहाँ पे सड़क के किनारे बेच रहे हैं, यहाँ पे लोकल है सारे है ना। यहाँ पे ये कौन कांगड़ा की है ये, यहाँ पे पानी लगता है ना तो यहाँ पे लोग सारे घर में इतनी सारी सब्जी फ्रूट घर में ही उगाते हैं और सड़क किनारे यहाँ पे बेच रहे हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं गोपालपुर जू। तो अभी मैं अपनी वीडियो का एंड जो है वो यहीं पे कर रही हूँ और गोपालपुर जू जो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो बताइएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ गोपालपुर जू। तो चलिए बाय बाय।